गाजियाबाद के लूनी इलाके में बीते दिनों फूड इंस्पेक्टर के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी के मामले में अब नया मोड़ आ रहा है। पुलिस ने विधायक सहित 10 लोगों के खिलाफ मारपीट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने विधायक के प्रतिनिधि सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया तो गाजियाबाद के लूनी में हंगामा हो गया। आपको बता दें, बीते दिनों विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर लूनी में ही मुकदमा दर्ज हुआ था। उन पर फूड इंस्पेक्टर को पीटने का आरोप था। हालांकि इस प्रकरण में भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भाजपा पदाधिकारियों के खिलाफ भी आरोप लगाकर अपनी जान को खतरा बताया था। वहीं इस मामले में पार्टी आलाकमान ने संज्ञान लिया था और विधायक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था, जिसका जवाब 15 दिनों में मांगा गया था। लेकिन उससे पहले ही आज जब विधायक के प्रतिनिधियों को गिरफ्तार किया गया तो विधायक भड़क गए और उन्होंने कहा कि लूनी में उनका आंदोलन जारी रहेगा और इसके लिए उन्होंने पंचायत भी की। उनका कहना है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे उनकी आवाज़ दबाई जाती रहे। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। कुल मिलाकर लूनी की स्थिति फिलहाल असमंजस भरी हो रही है और हंगामे जैसे हालात हो रहे हैं। अंत में विधायक बोले कि अगर वो झूठ बोल रहे होंगे तो दुनिया छोड़ देंगे। रणनीति कुछ नहीं है, दुखद बात है, बहुत दुख का विषय है। ललित शर्मा वहाँ थे नहीं, मैंने पहले भी कहा, अब भी कहा, जहाँ चल रही है किस जल्दबाजी में किया गया। हमारे लोगों ने 10 लाख रुपये एक अधिकारी को रात दिए हैं और ये जो कराया गया है, इसकी पूरी बात के लिए हम लोग दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करेंगे। प्रदेश के नेतृत्व ने आज व्यापारी सारे गिरफ्तारी देने जा रहे थे ललित शर्मा जी के लिए, क्योंकि वो व्यापारियों से पैसे लूटता था। व्यापारी वहाँ गए तो व्यापारियों का कहना था कि हमारे पास एविडेंस है, हमने रिपोर्ट भी दर्ज कराई, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। ललित शर्मा वहाँ थे नहीं, उन्हें बिना कारण गिरफ्तार किया गया राजनीतिक षड्यंत्र के तहत। तो इसलिए व्यापारियों ने कहा था कि हम गिरफ्तारी देंगे। अभी आपके सामने मैंने उनके हाथ जोड़े हैं कि आज आप हाथ जुड़वा लो, अपने बाजार खोलो। पूरा बाजार बंद कर दिया था और वो हमारी बात को मान गए। प्रदेश के पुलिस के बड़े अधिकारी, प्रदेश के नेता और देश के नेता, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि आपकी जो कन्फ्यूजन हुआ है, आप आकर के इस बात को बताएं, कड़ी कार्रवाई होगी। जो भी कोई गलत कर रहा है या इस तरह से कर रहा है, वो अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये सब बात हमने इसलिए व्यापारियों से हाथ जोड़ के कहा है कि 3 दिन का समय आप दें, उसके बाद गिरफ्तारी देगा, जो होगा कानून का मैं भी सम्मान करता हूं। और मुझे भी ये था कि भाई मान लिया गिरफ्तारी की बात है तो हम भी, क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं है और प्रदेश में कानून का राज है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मुझे उम्मीद है, आपके माध्यम से भी बात मेरी चली जाए कि वो इंसाफ करें। आशुतोष सिंह बेईमान अधिकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके खिलाफ वीडियो वायरल हो रहे हैं, गाजियाबाद के सारे व्यापारियों ने वीडियो दिए हैं, एविडेंस है, तो उसको यहाँ से तुरंत हटाएं और गिरफ्तार करें। क्या बर्खास्त करना चाहिए ऐसे अधिकारी को, और उसके साथ कोई घटना नहीं हुई। माननीय मंत्री अतुल गर्ग जी के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उनके द्वारा किया गया, मैं शंकर जी का मंदिर है और मैं शिव भक्त हूँ, अगर झूठ बोलूँ तो पार्टी नहीं है, मैं दुनिया छोड़ दूंगा, मुँह नहीं दिखाऊंगा, हम बात के आदमी, हम कभी गलत के लिए नहीं खड़े होते।